हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक की मदद से मतलब आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। हाँ गाइज, मतलब दोस्तों यार देखो, अगर आप कोई भी प्ले आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो प्ले करते हो ना, तो वीडियो प्ले करते वक्त मतलब वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे यूट्यूब अगर आपने बैक कर लिया या फिर यूट्यूब को अगर कट कर लिया, तो यार बैकग्राउंड में वीडियो नहीं चलता, वो वीडियो मतलब वीडियो ही मतलब प्ले होना स्टॉप हो जाता है। ये बात आपको भी बताए और सभी लोगों को बताए जो जो यूट्यूब को यूज़ करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद गाइज आपको एक ऐसी ट्रिक पता चलने वाली है। ट्रिक को मतलब इस ट्रिक की मदद से गाइस आप अगर अपने YouTube का कोई भी वीडियो अगर आप प्ले कर रहे हो, अगर बैक लिया तो वो मतलब एक पॉपअप विंडो जैसा आपको वीडियो जो है ना वो बैकग्राउंड में शो करेगा। अगर आप कोई मोबाइल का रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो या फिर किस कोई भी मतलब अगर कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो वो YouTube वीडियो देखते देखते आप अपना मतलब कोई भी ऐप रन कर सकते हो या फिर WhatsApp हो या फिर किसी को भी कॉल कर सकते हो, वो वीडियो पॉपअप में बैकग्राउंड में प्ले होते ही रह गए। और आप जैसे चाहे वैसे आप उस पॉपअप विंडो को कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब उस पॉपअप विंडो की साइज बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो, किसी भी साइड में आप एक कॉर्नर में ले सकते हो और अपना कोई भी मतलब काम कर सकते हो। अगर आप कोई मोबाइल का मतलब कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, अगर आप वहाँ पे कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो गाइज आपको बार बार यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, जो प्रोसेस बताई उस प्रोसेस को मतलब देखना पड़ेगा और फिर बैक लेके उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप इस ट्रिक की मदद से कोई भी मतलब ट्यूटोरियल या फिर कोई भी मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो आप वीडियो देखते देखते वो प्रोसीजर आराम से कर सकते हो। तो इसका बहुत अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पे बहुत आपको प्रॉफिट होने वाला है इस ट्रिक का, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत सारे तरीके से आपको इस ट्रिक की मतलब इस ट्रिक की बहुत ही हेल्प होने वाली हो। तो यार बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है गाइस। और अगर इस टॉपिक पर मतलब और इस टॉपिक पर मतलब मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जा सकता है, और वो ट्रिक भी मेरे पास थी, तो यार मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप तक ये ट्रिक पहुँचाऊँ। तो यार यही था, मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइज। और यहाँ पे देखो गाइज, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है गाइज। यहाँ पे मैं किसी भी मतलब रूट या फिर कोई भी मतलब वहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं करने वाला हूँ। एक सिंपल आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, और उस एप्लीकेशन की मदद से आप बड़े आसान तरीके से यूट्यूब वीडियो को मतलब बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। यहाँ पे गाइज उस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे यूट्यूब साइन इन भी कर सकते हो या फिर इनकॉग्निटो मोड जैसा आप उसको भी उस मतलब उस एप्लीकेशन को ओपन करके भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप कोई उस इनकॉग्निटो मोड में मतलब उस एप्लीकेशन से अगर अपना ओरिजिनल यूट्यूब चलाना चाहते हो, मतलब अगर आप अपना गूगल अकाउंट ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आप अपना गूगल अकाउंट ऐड कर सकते हो। मतलब एक कंप्लीट आप यूट्यूब जैसा उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड है। और गाइज उस एप्लीकेशन मतलब एक वीडियो प्लेयर ही है गाइज, और उस वीडियो प्लेयर में आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, और कोई भी मतलब किसी भी फॉर्मेट में किसी भी वीडियो को आप उस एप्लीकेशन में प्ले कर सकते हो। मतलब ज़्यादा नहीं कुछ ऐसे मतलब एक अच्छा वीडियो प्लेयर है गाइज, और उस वीडियो प्लेयर की मदद से आप इस ट्रिक को मतलब यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो यार चले भाई, बिना टाइम वेस्ट किए इस एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है प्ले इट। आप में से बहुत सारे लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बता होगा गाइज, ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है गाइज। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसे मतलब यूट्यूब वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, तो वो प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर दे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गाइज। तो यहाँ पे आप अपने म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो, मतलब कोई भी मतलब अगर आप जो चाहे वो इस एप्लीकेशन से प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मी वाला एक ऑप्शन है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको प्ले इट वीआईपी मतलब अगर आप सोच रहे हो कि गाइज आप यूट्यूब वीडियो पॉपअप में प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्ले इट वीआईपी को देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है गाइज। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बड़े आसान तरीके से यूट्यूब वीडियो को प्ले कर सकते हो, बिना एक भी रुपया मतलब इस ऐप में इन्वेस्ट करते हुए भी आप प्ले कर सकते हो किसी भी यूट्यूब वीडियो को। फ्री में आप सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो गाइज। यहाँ पे आप साइट्स में जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे से साइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सअप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब जो है वो आप सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं यूट्यूब में ओपन कर देता हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ वेबसाइट है गाइज, एक ब्राउजर है आप समझ सकते हो। तो यार देखो गाइज, यूट्यूब पे जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे लोडिंग यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइज अगर आप मतलब इस एप्लीकेशन से आप यूट्यूब को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे बड़े आसान तरीके से मतलब सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरा इंटरनेट का इशू है। अगर आपको इस यूट्यूब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप बड़े आसान तरीके से मतलब अपना गूगल अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर ऐड नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप बिना ऐड करके हुए भी इस एप्लीकेशन से यूट्यूब को पॉपअप में प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस यूट्यूब की इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन की मदद से अपना YouTube.com को ओपन कर लिया। और गाइज यहाँ पे आप कोई भी वीडियो यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, और आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा गाइज कि आप कैसे पॉपअप में इस वीडियो को प्ले कर सकते हो, मतलब कोई भी YouTube वीडियो को प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मैं सर्च में जाता हूँ और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो यार इसलिए मैं NCS को सर्च कर देता हूँ। और
आपको दिखा देता हूँ कि गाइज मतलब कैसे ये एप्लीकेशन वर्क करती है और कितना अच्छा, मतलब इस एप्लीकेशन को यूज़ करना कितना सिंपल है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इस एप्लीकेशन में वेबसाइट में भी नहीं खोला, यहाँ पे मैंने बैग भी नहीं लिया, वहाँ से मतलब इस यूट्यूब वीडियो बैकग्राउंड में प्ले होना स्टार्ट भी हो गया गाइज। यहाँ पे मैं वीडियो होम की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। देखो गाइज यहाँ पे आप सुन सकते हो, तो सुन लो गाइज। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मतलब आप YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। इस चीज़ का आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों, इस चीज़ की मदद से आप YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। जो YouTube नहीं करने देता, जो जिस चीज़ को करने के लिए YouTube आपसे पैसे लेता है, उस चीज़ को आप बड़े आसान तरीके से फ्री में कर सकते हो, और इससे अच्छा प्रॉफिटेबल और क्या हो सकता है दोस्तों। और इस ट्रिक को अगर आपको मतलब इस ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी और इस ट्रिक से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, अगर आप ये ट्रिक बहुत पसंद आ गई होगी यार, या फिर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, लेकिन यार जो स्ट्रगल हम लोग करते हैं यूट्यूब क्रिएटर्स और बहुत मुश्किल होता है गाइज। अगर आप उसमें से अगर आप हमें सपोर्ट कर देते हो, तो यार उसमें से मतलब बहुत खुशी होती है दोस्तों। आपको ये ट्रिक पसंद आई तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर मतलब अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए गाइज। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं यार, फिर ऐसे कुछ मतलब और कंटेंट देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, अगर आप कोई भी मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।